हेलो एवरीवन, ये वीडियो है जिस दिन का मैंने वीडियो इससे पहले वाला अपलोड किया है उसी डे के शाम का। किसी वजह से मैं नेक्स्ट डे उसके अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए ये मैं वीडियो अपलोड अब कर रही हूँ। कुछ इश्यू हो गया था इस वजह से। तो शाम को मैं आज गई थी सारे पौधों में पानी डालने के लिए, और बहुत ज़रूरी है आजकल पौधों में पानी डालना। जैसे हमें गर्मी लगती है, हमें प्यास लगती है, वैसे ही पौधों को भी गर्मी लगती है, उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो पहले मैं पूरा पाइप सीधा कर रही थी, अगर मुड़ा रहता है बीच से तो पानी नहीं आता है और मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डायरेक्ट पानी आता है और अच्छा खासा पानी आ जाता है, तो वही मैं कर रही थी। कुछ दिन पहले तक तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जितना अगर मतलब ज़्यादा पानी भी हो जाता है पौधों के लिए तो वो भी ख़राब है। तो ओवर पानी भी नहीं करना चाहिए, जब बारिश हो रही है तो उनको मतलब मिल गया है पानी। लेकिन 2-3 दिनों से बहुत लगातार बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो जब धूप रहती है तो ऑलमोस्ट उस डे तो मैं शाम को पानी डाल ही देती हूँ, क्योंकि जितने भी पौधे हैं मुरझा जाते हैं। और बहुत सारे गमले हैं यहाँ हमारे घर पर लगाए हुए, तो उनमें पूरे पे पानी डालते डालते कम से कम 1 घंटे का टाइम तो मेरा लगता ही लगता है, और उसमें बार बार चेक करना पड़ता है पानी, क्योंकि कभी निकल जाता है नल से तो वो फिर फिट करना पड़ता है, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, और उसके बाद मैं पानी वगैरह डालती हूँ। तो मैं वही देख रही थी और वही कर रही थी, और मुझे अच्छा भी लगता है जब उनमें फ्लावर्स वगैरह लगते हैं उसके बाद, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि यार हम इसमें पानी डाल रहे हैं और ये हमने इनको लगाया और इतना अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ से जो क्लिप्स हैं, जो वीडियो है, वो मॉर्निंग का है, और मॉर्निंग में मैं कर रही थी आज फ़िश एक्वेरियम जो है उसकी सफाई। जितने भी सारी फ़िशेज़ हैं, ऑलमोस्ट हमारी सारी फ़िशेज़ मर गई हैं और एक फ़िश बची हुई है ओनली, तो उसी की सफाई कर रही थी, और अंशी बैठ के देख रही थी टीवी, तो मैं वही कर रही थी, फिर इसकी फ़िश एक्वेरियम की सफाई कर रही थी। और इसमें बहुत टाइम लगता है इसमें भी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सामान था, इसमें हमने पत्थर वगैरह जो भी इसमें सजाने का सामान है वो भी साफ़ करना पड़ता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी लगता है साफ़ करने में। पहले तो मैं पत्थरों को निकाल के साफ़ करती थी, बट इस बार मैंने अंदर ही पत्थरों को अच्छे से हाथ से रगड़ के और उसके बाद वहीं से पानी निकाल रही थी जो साफ़ होते जा रहा था। छोटे छोटे पत्थर तो मैंने वहीं पे साफ़ कर लिए थे, बट ये जो थोड़े बड़े बड़े से थे इसमें डेकोरेट करने के, वो मैं ले आई थी बाल्टी में निकाल के, और उन्हें मैं ढंग से क्लीन कर रही थी, क्योंकि इनके अंदर भी गंदगी रहती है फंसी हुई। तो उसके लिए मैं ये मतलब अलग बाल्टी जो बाहर रखी हैं वो बाल्टियाँ लाती हूँ, अंदर बाथरूम वाली बाल्टियाँ यूज़ नहीं करती, तो उन्हीं बाल्टियों में कर रही थी इसी इनकी सफ़ाई उन बाल्टियों में डालकर। तो अच्छे से मैं पहले उनको साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं उसके बाद फिश एक्वेरियम में साफ़ पानी भर देती हूँ, और तब ये सब लगा देती हूँ उसमें, ऐसे ही एडजस्ट कर लेती हूँ। और ये दवाइयाँ और क्लीनिंग का कुछ वहीं से, जब हमने एक्वेरियम लिया था तभी उन लोगों ने सजेस्ट किया था और बोला था कि 2-2 ड्रॉप्स हमेशा जब पानी चेंज करोगे तो इनकी डालना है दोनों बॉटल्स की। तो जब भी हम इसकी क्लीनिंग करते हैं तो इसकी 2-2 ड्रॉप्स डाल देते हैं, एक ब्लू कलर का और एक वाटरी कलर का है, पता नहीं क्या होता है, शायद फ़िश के लिए ही होता होगा, कुछ सफाई का होता है, तो हम डाल देते हैं। हालाँकि अब सिर्फ एक फ़िश रह गई है, लेकिन जब क्लीन करा है और
और उस फिश को डालना है इसके अंदर। तो वो जो जो ये फिश बची हुई है, तो वो जो काई वगैरह खाती है वही वाली बची है बस। फ्रेंड्स, मैं कर रही थी फिश एक्वेरियम की क्लीनिंग और यहाँ पे बैठ के अंशी कर रही थी अपना होमवर्क। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ हम लोगों को गिफ्ट में सूट्स वगैरह मिले थे, और कुछ मम्मा चंडीगढ़ गई थी वहाँ से लेके आई थी सूट के पीसेस जो होते हैं वो, कुर्ता पीसेस, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं नहा के आ जाती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फिर फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के, और अब मैं आप लोगों को शो करती हूँ जो मैं आपको दिखा रही थी कि कुछ हमें गिफ्ट्स में मिले हुए थे सूट वगैरह, सूट के जो पीसेस होते हैं वो, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मिले हुए हैं, और मुझे कुछ आइडिया नहीं है किस तरीके से उनसे सूट बनाऊँ, तो आप लोग बताइएगा कि कौन से कपड़े का कौन सा सूट सही लगेगा, मीन्स किसकी कैसे स्टिचिंग कराऊँ, किस तरीके से बनाऊँ, तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे सूट का ज़्यादा कोई आइडिया है नहीं। तो चलिए देखते हैं। कुछ ऐसा है, और इसके नीचे से इस तरीके से है, ये इसका कुर्ता है, और ये इसका जो सलवार है उसका कपड़ा है रेड कलर का, और ये इसके अंदर से जो इनर होता है वो है, ये जो कुर्ता है इसके अंदर से, क्योंकि थोड़ी हल्का सा है तो इसके अंदर का इनर है ये, और ये है दुपट्टा इसका, दुपट्टा इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये रहा, तो बहुत प्यारा सा इसका दुपट्टा है। तो सोच रही हूँ बनाने की अब सूट, तो आप लोग भी मुझे आइडिया दीजिएगा कि किस तरीके से मैं बनाऊँ। तो पहला सूट तो ये वाला है, और नेक्स्ट है ये वाला, तो कुछ इस तरीके से है ये, और पूरा चंदेरी वाला जो काम होता है उस तरीके का है, चंदेरी वर्क में गला इसका इस तरीके से है, और बाकी पूरा प्लेन है ये, और लास्ट में इसमें कुछ इस तरीके से वर्क किया हुआ है, और इसका जो पैजामे का कपड़ा होता है सलवार का वो कुछ ऐसा है। तो ये है नेक्स्ट, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला, इसका जो दुपट्टा है वो ये है, बहुत प्यारा सा दुपट्टा है इसका भी, ये रहा। तो ये मुझे शादी में दिया हुआ था, तो हमारे यहाँ गढ़वालियों में ऐसा होता है, आई डोंट नो और जगह भी होता होगा या नहीं, तो जो ख़ास जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी शादियों में हमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, मतलब सूट वगैरह देते हैं, तो ये वही सूट्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। नेक्स्ट सूट है ये वाला, और ये वाला जो है एकता को दिया हुआ है, एकता यहाँ है नहीं तो मैं उसका भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, उसमें लिखा हुआ भी है एकता, तो ये एकता का सूट है, और इसमें एक लिफाफा भी है, तो मैं इसी में रख देती हूँ। तो ये है एकता का सूट, बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका, बहुत सुंदर सूट है, ये देखिए बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, और इसके आगे से यहाँ पर बटन का वर्क किया हुआ है, बटन लगे हुए हैं, और इसका जो सलवार है वो बिल्कुल प्लेन है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, पैक देखना तो ऐसा ग्रीन सा है जो है प्लेन है, और बनाई की वो इसको बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है मेरा, और इसका दुपट्टा तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए पूरा इसमें मिरर सा वर्क किया हुआ है, ये देखिए इतना सुंदर सा इसका दुपट्टा है,
बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर दुपट्टा है, मुझे बहुत प्यारा लगा इसका दुपट्टा। तो नेक्स्ट ये वाला सूट है, ऐसा ही सेम ये वाला है, ये मेरा है, वो एक पता है, ये वाला मुझे मिला हुआ है सेम साबुन से, और ये कॉटन का है पूरा का पूरा। इस तरीके से इसमें बटन्स लगे हुए हैं आगे से, और इसका दुपट्टा पूरा वाइट और ऐसा सा है कुछ, और बहुत ही सुंदर सा इसका दुपट्टा है। ये रहा, बहुत प्यारा सूट है और कॉटन का सूट है, बहुत सुंदर है। और इसमें इसका जो पैजामा है वो इस तरीके से है, जो नीचे से इसकी सलवार होती है कुछ ऐसी है, प्रिंटेड है दोनों, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो एक ये वाला है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला, जो इसमें बटन का स्पेशली वर्क है और कॉटन है ये, तो इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये वाला सूट है, और अब मैं वो दिखाती हूँ जो मम्मा लाई थी चंडीगढ़ से, तो उसमें से एक ये वाला है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, और मम्मा की वैसे भी चॉइस बहुत अच्छी है। इस तरीके से इसमें आगे से फ्रंट में काम है, और इसका जो सलवार का कपड़ा है वो कुछ ऐसा है प्लेन, बाकी पूरे में वर्क है इसी तरीके से। अब इसको हम लोगों ने स्टिचिंग में देना, और इसका दुपट्टा ये देखिए इतना सुंदर सा है, नेट फैब्रिक टाइप में दुपट्टा है, और कढ़ाई का काम किया हुआ है, बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाला जो है मम्मा मिलने लेके आई थी, तो ऐसा है कुछ ये, और इसका दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए ये है इसका दुपट्टा, और पूरा सूट ही इसी तरीके का है, बहुत सुंदर सा, नीचे इसमें इस तरीके से वर्क रखा है पूरा, जो ऊपर से है इसका, और यहाँ नीचे इसका पूरा ऐसे काम किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और इसका जो पैजामे का कपड़ा है सलवार का, वो कुछ इस तरीके से प्लेन है, काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर सूट है ये, और मुझे बहुत प्यारा लगा था ये वाला सूट। तो आप लोग मुझे आइडिया दीजिएगा कि किस तरीके से सूटों को सिलवाऊँ मैं, ये कैसे अच्छे लगेंगे, और आप लोगों को कौन सा सूट अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ सूट जो हमको मिले हुए थे शादी में, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से इन सारे सूट्स को स्टिच करवाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि किस तरह से मैं इसे स्टिच कर रहा हूँ। और आप लोग मुझे देखते ही हैं वीडियोस में, थोड़ा सा मैं मोटी हो गई हूँ, थोड़ा नहीं बहुत हो गई हूँ, तो उस हिसाब से कौन सा जो सूट है किस तरीके से मेरे पे अच्छा लगेगा। वैसे मैं देख रही थी, और कॉटन वाले सूट हैं तो मेरे पे वैसे अनारकली वगैरह होते हैं जो, वो थोड़ा सही लगते हैं, क्योंकि जो मेरी लोअर साइड की जो बॉडी है वो थोड़ा हैवी है, अपर साइड की तो सही है बट लोअर साइड की थोड़ा हैवी है, तो समझ नहीं आ रहा किस तरीके से। मुझे अच्छा लगता है सूट वगैरह पहनना, बट उस वजह से मैं कभी नहीं पहनती, क्योंकि थोड़ा अजीब से लगता है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि किस तरीके से मैं इनको स्टिच करवाऊँ, तो अब मैं इन्हें संभाल देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बाय।